बैड न्यूज़ दे रहा है यार हुमायूं, क्या हुआ आज बताओ, क्या न्यूज़ देख रहे हो भाई? यार रैबिट के बच्चे बेबीज जो है ना वो खा गए, बिल्ली ले गई या चील ले गई, कहीं भी नजर नहीं आ रही, ग्रिल लगा के। यार दोस्तों अब चेक करें भाई, दोनों चुन्नू मुन्नू खाने में लगे हुए हैं, लाइव वॉर्म्स चेक करें छोटे छोटे से। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह यार कितना प्यारा लग रहा है। यार दोस्तों फंटर मुर्गी ने आज एक और अंडा दिया हुआ है माशाल्लाह से नॉन स्टॉप, मतलब भाई एक दिन का भी गैप नहीं करा हमारी फंटर मुर्गी ने, टोटल 6 अंडे दे दिए। अब ये कुड़क होने वाली है बहुत जल्द, लेकिन इसको इस दफा मैं अंडों पे नहीं बिठाने वाला दोस्तों। ये अंडे तो दे रही है लेकिन इस दफा उसको अंडों पे नहीं बिठाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने यार एक्सपीरियंस हमारे को मिल चुका है, ढीट मुर्गी को अंडों पे बिठाया था, बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। बेबीज निकलना ना निकलना वो तो अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन दोस्तों बहुत गर्मी है, मैंने सोचा भाई कि इसको अंडों पर नहीं बिठाना है। दोस्तों चेक करें भाई हमारी ढीट मुर्गी की, चुन्नू मुन्नू दो दो माशाल्लाह से ये घूम रहे हैं, और हमारी ढीट मुर्गी ये रही। अरे देखो इधर आओ, देखो नीचे केज के अंदर, देखो केज के अंदर देखो, आ रहे ना इधर देखो, चेक करो दोस्तों। आरिफ भाई भी आए हैं भाई मुर्गी की चुन्नू मुन्नू देखने के लिए, आ गए ना इधर, कैसे हैं, क्यूट हैं दोस्तों। ये देखो एक ये रहा और ये रहा, यार इनको बाहर निकालते हैं दोस्तों जल्दी से भाई, मेरे से सबर नहीं हो रहा, क्योंकि अब थोड़े बड़े भी हो गए ना, थोड़ा मुर्गी के साथ भी घूम लेंगे, और मुर्गी अब केज में जाने की भी नहीं करेगी, क्योंकि कल तक तो मुर्गी अंडों पे बैठी हुई थी। दोस्तों मुर्गी को फाइनली मैंने बाहर निकाल दिया, और दोनों चुन्नू मुन्नू माशाल्लाह माशाल्लाह तो ये घूम रहे हैं यार, इनको साइड पे ही घूमने देते हैं दोस्तों। बीच छत के ऊपर लेकर आऊंगा ना मैं तो, अल्लाह ना करे चील वगैरह भी अटैक कर सकती है। वैसे यार आज दोस्तों मेरे को तो यार बहुत दुख हो रहा है यार, हमारा जो रैबिट के बेबीज थे ना दोस्तों, 4 बेबीज थे, एक पहले मर गया, एक बाद में मर गया, और 2 को चील लेकर गई, कबुआ या बिल्ली कोई भी ले गया होगा, लेकिन दोस्तों क्योंकि यहाँ पर यार जो मैंने नेट ढकी हुई थी ना वो नेट यहाँ से हट चुकी थी। यार मैं अंडा निकालना बार बार भूल जाता हूँ, ये अंडा तोड़ देगी फंटर मुर्गी, अब लड़ने में लगी रहेगी ना, इसका सबसे पहले अंडा निकालते हैं। बैड न्यूज़ दे रहा है यार हुमायूं, क्या हुआ आज बताओ, क्या न्यूज़ देख रहे हो भाई? यार रैबिट के बच्चे बेबीज जो है ना वो खा गए, बिल्ली ले गई या चील ले गई, कहीं भी नजर नहीं आ रही, ग्रिल लगा के। यार दोस्तों भाई कल भी यार मुझे थोड़ा डर हो रहा था कि बिल्ली वगैरह ना ले जाए, लेकिन मैं इंतजार के बाद भाई यार चाहिए, मैं छत पे ढूंढ रहा हूँ दोस्तों, मैं भी ढूंढता हूँ यार मटके वगैरह के पास भी, देखें मैंने आसपास यहाँ तो कहीं नज़र नहीं आया। देखें यार गेट भी पूरा पैक करा था मगरिब के बाद, ये सारा सीन करा था, मैंने तो आप लोगों को दिखाया नहीं था, ये मटका यहाँ पर लगा दिया ताकि गेट पैक हो जाए, और जो बेबीज थे ना यार दोस्तों, जो पाइप था ना हमने पाइप के अंदर छोड़ दिए थे। अब देखें यार ये चारों तरफ से पैक है, और रही बात पिंजरे के नीचे की ना, तो दोस्तों वहाँ पर हमने ये वाली जो नेट है ना, ये देखें शायद आप लोग अब नज़र आए क्लियर होगी, कितनी मोटी नेट है ये, यहाँ पर लगा दी थी मैंने केज के नीचे, ताकि वो बेबीज जो थे ना वो बार बार बाहर ना आए। लेकिन यार दोस्तों जब मैं छत के ऊपर आया हूँ तो ये नेट हटी हुई थी, और हुमायूं जो है ना वो बेबीज को देखने में लगा हुआ था, और बेबीज फाइनली हमने अपनी फंटर मुर्गी का अंडा निकाल लिया है भाई, अंडा ये रहा दोस्तों, फाइनली ये फंटर मुर्गी का अंडा निकाल लिया, क्योंकि यार ये इसको तोड़ने की कर रही थी, और दोस्तों हमारी ढीट मुर्गी के बेबी तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहे यार, पता नहीं कहाँ छुप के बैठ गए। खैर यार अंडे को हम लोग छुपा कर रख देते हैं यहाँ पर। यार दोस्तों मुझे आज बहुत गुस्सा आ रहा है, अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा है यार, हमें रैबिट के बेबीज़ को ना कहीं और रखना चाहिए था। लेकिन आप लोग एक बात बताता हूँ, हम रैबिट के बेबीज़ को अगर केज में रखते हैं, मिसाल के तौर पे इस केज में रखते हैं, और वो रैबिट अब अगर अपने बेबीज़ को खिलाता बिलाता नहीं, मार देता, तो पता है हमारे को क्या हम सोचते रहते हैं? हम लोग डेली ये सोचते यार काश जहाँ दिए थे बच्चे हम वहीं रखते। यार दोस्तों भाई 3 से 4 दिन बाद मैं केज के अंदर आया हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, ये उसके बाबा बैठे हैं भाई दोनों बेबीज़ के, और माशाल्लाह से चेक करें कितने क्यूट और कितने बड़े हो गए हैं बेबीज़ भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, और तो और ये माशाल्लाह माशाल्लाह, इन्होंने भी दोस्तों दोनों अंडे कंप्लीट हो गए इनके। यार ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ, इस प्यार ने भी दो अंडे, ये देखे, ओ नहीं 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 कुछ नहीं कर रहा भाई, अंडे मत तोड़ देना तुम दोस्तों, 2 अंडे इसके हो गए और 2 बेबीज माशाल्लाह से इसके हो गए, और 1 बेबी इसका ये रहा। और एक और चीज़ दिखाऊँ आप लोगों को दोस्तों, मुझे लग रहा था 90% में छोड़ था कि इसके अंडे ख़राब हो गए होंगे, लेकिन चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग वो येलो येलो जो नज़र आ रहा है ना दोस्तों, ये बेबी है, और इसका एक बेबी निकल गया, एक अंडा ऐसा कैसा ही है, बाकी भाई इसके जो बिचारी के अंडे देना वो तो ख़राब हुआ, और फीमेल के चक्कर में ख़राब हुए हैं, फीमेल रोज़ बाहर आ जाती थी ना अर्थरुल के केज में चले जाती थी, तो मेल बेचारा अंडों पर बैठा रहता था, और मेल की टांग देखें कितनी अभी भी सॉइल कर रही है यार दोस्तों, क्योंकि ना भाई ये जो मेल था ना हमारा, ये बहुत अंडों पर बैठा है, फीमेल बिल्कुल अंडों पर नहीं बैठी, फीमेल हमारे अर्थरुल के केज में चले जाती थी, और अर्थरुल अभी भी दोस्तों खड़ा हुआ है, और माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों अर्थरुल चेक करें, हमारा अर्थरुल कितना प्यारा हो चुका है, और आज आपको सारे ओ मोटू माशाल्लाह माशाल्लाह, मोटू को चेक करें दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है यार, मोटू सबसे बड़ा कबूतर है दोस्तों, और मोटू का एटीट्यूड चेक करें, ये असल में एक और कबूतर उसकी पेटी पा के बैठ गया ना, मोटू उसको मार के भगाएगा, क्योंकि मोटू बोलता है यहाँ पे मेरा कब्जा है और इसकी फीमेल का कब्जा है, मोटू किसी को भी नहीं आने देता। खैर यार दोस्तों मैंने आपको ये वाले बेबीज भी दिखा दिए, इसके अंडे भी दिखा दिए, और अब दिखाता हूँ
ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह यार कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों। चल माशाल्लाह से भाई हमारे कबूतरों के केज के अंदर दोबारा भाई बहुत सारे बेबीज आने वाले हैं और कुछ तो आ गए कुछ आने वाले हैं यार। आप लोगों ने कमेंट में लाजमी माशाल्लाह बोलना है दोस्तों। रैबिट का आज मुझे बहुत दुख हो रहा है, रैबिट के 4 बेबीज थे अब हमारे पास एक भी नहीं रहा, लेकिन इंशाल्लाह मैंने सुना है कि रैबिट जल्दी जल्दी बच्चे देते हैं तो मे भी पॉसिबल कि 1 महीने बाद दोबारा बच्चे दे दें। तो यार दोस्तों रैबिट का यार लेकिन जो दुख है ना वो अब दोबारा दें वो एक अलग बात है, लेकिन जो मर गए बेबीज अब उनको क्या कर सकते हैं। अकेला घूमता रहता है यार, ये असल में बहुत डर जाता है मेरे से ना, आज मैंने कैमरा केस के अंदर कर दिया। लेकिन यार दोस्तों इंशाल्लाह संडे को इसके लिए फीमेल लेकर आनी है यार। संडे मार्केट नहीं लग रही है असल में, मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने ढूंढा भी था भाई, मिट्टू भाई आपकी फीमेल इंशाल्लाह संडे आ जाएगी। और भाई दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों बेबीज मैंने बाहर निकाल लिए। अरे अरे बेबीज चेक करो कितने प्यारे हैं, कैसे प्यारे लग रहे हैं, प्यार करो प्यार करो। हाँ दोनों में ज़्यादा प्यारा कौन सा है, ज़्यादा प्यारा कौन सा है, छोटा वाला, छोटा वाला ज़्यादा प्यारा है, आपका फेवरेट कौन सा है, छोटा वाला। छोटा वाला बाहर निकाल देते हैं और बड़ा वाला बाहर निकाल देते हैं। क्या हुआ, व्हाइट वाली कबूतरी स्टैंडों पे जाके बैठ गई जिससे मार के निकाले। अबे यार दोस्तों ये व्हाइट वाली जो कबूतरी है ना ये भाई किसी के भी अंडे बैठ जाती है, और हमारी मैं सोच रहा हूँ इसके नीचे अंडे रखने पड़ेंगे किसी के यार। ये रखते हैं अभी भी नए नए अंडे दिए ना, ऊपर रख देते हैं ऊपर। हाँ ये ऐसा कर लेते हैं ऐसा कर लेते हैं ऐसा कर लेते हैं दोस्तों, वो जो नीचे वाले अंडे हैं ना वो हम ऊपर वाली पेटी में रख देते हैं, क्योंकि यार वो व्हाइट वाली फीमेल है ना, अब वो बेचारी बस उसका दिल भी होता है यार, अंडे दे नहीं सकती वो, लेकिन उसका दिल होता है कि मैं अंडों पर बैठूँ। और दोस्तों हमारियों ने कार्रवाई कर दी भाई, उस बेचारे के अंडे ऊपर रख दिए। खैर अंडे भाई एक ही दिन हुआ था इसको अंडे दिए हुए, तो ये दोबारा इंशाल्लाह बहुत जल्द अंडे दे देगी, ज्यादा दुख नहीं होगा। चेक कर ले पहले, फर्टाइल भी है नहीं है अंडे क्या? नहीं नहीं वो इसके हमेशा फर्टाइल होते हैं इसके अंडों को, अल्हम्दुलिल्लाह भाई माशाल्लाह से बिल्कुल हमेशा फर्टाइल होते हैं इसके अंडे। और दोस्तों हमारा एक कबूतर बाहर निकल कर आ गया, और मैं आप लोगों को सही बताऊं उसके पूरे पूरे पर है मायो। ये कैसे बाहर निकल गया यार दोस्तों? अल्हम्दुलिल्लाह कबूतर इतने ट्रेन हो गए अंदर चले जाते हैं, लेकिन पूरे पर अगर ये उड़ जाए ना ये बता दो फिर ये वापसी नहीं आएंगे। और भाई फंटर मुर्गी के चूजे कहाँ, आपको सॉरी रीट मुर्गी के चूजे कहाँ चले गए यार? ये अपने अपने चूजों की केयर ही नहीं कर रही, पता नहीं इसके चूजे कहाँ घूम रहे होंगे, नीचे हैं कहाँ हैं। वो रहा एक तो छोटा सा नजर आ रहा है दोस्तों मेरे को, वो रहा भाई एक छोटा बेबी यहाँ घूम रहा है, और एक बेबी पता नहीं कहाँ चले गया दोस्तों यार, वो तो नजर ही नहीं आ रहा एक बेबी को। आज हमारी फिंचेस अंडों पर बैठी हुई थी, जैसे ही मैं पास आया हूँ तो अंडों पे से उड़ गई, लेकिन यार जब भी अंडों पर बैठती है ना मैं सही बता रहा हूँ मुझे थोड़ी सी खुशी होती है भाई, अंडों पर बैठे ना बैठे इनके बेबी मुझे पता है नहीं निकलने नहीं निकलने दोस्तों, मैं परेशान आ चुका हूँ। फिंचेस अपने बच्चे कभी नहीं निकलते इनके, पहले पहले निकला करते थे हमेशा निकलते थे, लेकिन ये पहले हमेशा अपने बच्चों को खुद मार दिया करती थी, और अब जो है ना अब तो अंडों पर ही नहीं बैठती है दोस्तों, अब तो इनके अंडे फर्टाइल हो भी जाए ना तो ये बैठती नहीं है, तो अंडे के अंदर ही बच्चा मर जाता है, जबकि हमारी जो बेंगलाइज है ना वो हमेशा अंडों पर बैठती है। लेकिन आप लोगों ने कमेंट्स में बोला है कि भाई बेंगलाइज के अंडे निकाल के हम लोग फेंक देंगे, और इनशाला नेक्स्ट टाइम फिंचेस के अंडे रखेंगे बेंगलाइज के नीचे। दोस्तों मैं भाई आप लोगों को बताता हूँ अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अर्थरूल को खोलने वाला हूँ, और चेक करते हैं अर्थरूल को खोल के अपने बेबीज के साथ क्या करते हैं। अर्थरूल भाई आ जाओ, आपको आपके न्यू बेबीज से मिलवाता हूँ। लेकिन यार ये हमारी ब्लैक आर्मी के दो भाई बंदे बाहर आए हुए, तीन बंदे अंदर बंद हैं और जो बाहर आए हुए, तो मैंने सिर्फ अर्थरूल को निकालना है। पीछे 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 यार दोस्तों ये भी बाहर आ गए, लेकिन हम लोग अर्थरूल को निकालते हैं। आ चुका है, और चेक करें यार हमारी फंटर मुर्गी दोस्तों कैसे बाल फुला लिए उसने गुस्से में यार, मतलब अर्थरूल को बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रही अर्थरूल बेचारा, अपनी अर्थरूल का बस नहीं चलता अपना गोश्त खिला दे इस डेट मुर्गी को, लेकिन उसका एटीट्यूड तो देखें पूरे बाल वगैरह फुला लिए इसने, और अपने बेबीज को भी ऊपर बुलाने में लगी हुई, और दोनों बेबीज ना कॉर्नर पर जाके छुप गए। दोस्तों एक बेबी वो रहा और एक बेबी शायद केज के नीचे होगा, वो रहा एक बेबी वो रहा, बल्कि दोनों बेबीज वो नजर आ रहे। तो चुन्नू मुन्नू की लाइव पार्टी शुरू हो गई भाई, चेक करें यार सारा खाना लाइव मिल रहा है इनको, ये चेक करें छोटे छोटे कीड़े, और चुन्नू मुन्नू की तो ईद हो गई है आज भाई। अरे भाई देख रहे हो कितने मजे से खा रहे हैं, आप खाओगे? खा लो छोटे से खा लो, देखो चुन्नू मुन्नू कीड़े खाने में लगा हुआ है। दोस्तों चेक करें माशाल्लाह सारे खा जाएगा चुन्नू मुन्नू, इतने सारे कीड़े हैं ना यार भाई, चुन्नू मुन्नू की किस्मत अच्छी थी आज, पता नहीं कहाँ से निकला ये कीड़े, हैं सही प्रोटीन मिल गया इसकी तो ईद हो गई। दोस्तों ये बहुत मजे के लगते हैं इनको भाई, बहुत समझ ले सबसे ज्यादा मजे की जो चीज लगती है इनको यही लगती है। अर्थरूल के आगे रखे थे, लेकिन अर्थरूल की बेचारे की जिंदगी ऐसी हुई है दोस्तों, दोनों मुर्गियों में से कोई भी लिफ्ट नहीं करा रही है, ना फंटर ना भाई ढीठ मुर्गी, और अर्थरूल बेचारा हमारा अकेला अकेला घूम रहा है। अच्छा है ये अकेला घूमेगा ना जब ये जान पकड़ेगा यार, ये सिर्फ मुर्गियों को खिलाने के चक्कर में लगा रहता है, इस वजह से ये कमजोर होता जा रहा था। अब चेक करें माशाल्लाह से कैसी जान पकड़ ली है इसने यार, और यार दोनों भी भाई फाइटिंग स्टार्ट हो गई, ताला लगाना पड़ेगा बाहर आ गए ना क्लैश हो जाएगा, क्योंकि अब इसके भी बेबीज हैं और हमारी ढीठ मुर्गी के भी बेबीज हैं, अब क्लैश हो सकता है। इसका चुन्नू मुन्नू मैंने बाहर निकाला हुआ, और इसके चुन्नू मुन्नू ये घूम रहे हैं, ये रहा एक, और एक और कहाँ चले गया,
एक वो रहा यार दोस्तों। खैर यार ये चेक करें, छोटे छोटे ना इसके चुन्नू मुन्नू, ये जान के बाहर नहीं आ रही हमारी रेट मुर्गी। ये इसने अपने बच्चों को सेव करा हुआ है, थोड़े बड़े हो जाएंगे ना फिर ये 20 में लेकर आएगी। यार दोस्तों बेचारा हमारा रैबिट का मेल ये बैठा हुआ यार, चेक करें यार, मेल और फीमेल दोनों केज के नीचे घुसे हुए क्योंकि इनको ये भी मारने लग गई अब, और इनके बेबीज वैसे ही मर गए। और यार दोस्तों हमने बड़े वाले चुन्नू मुन्नू को हटा दिया, अब हम लोगों ने छोटे वाले चुन्नू मुन्नू खोल दिया और ढीट मुर्गी हमारी छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू को अपने भाई माशाल्लाह से कीड़े खिला रही है। यार दोस्तों चेक करें, लाइव प्रोटीन मिल रहा है लोगों को ना, ये दोबारा कॉर्नर पर जाने की कर रही है। असल में यार ये अपने सारे भाई अपने बच्चों को ना बचाना चाह रही है। चुन्नू मुन्नू इन्हें चला क्यों तुम, इधर आओ। और यार दोस्तों अब चेक करें भाई, दोनों चुन्नू मुन्नू खाने में लगे हुए हैं लाइव वॉर्म्स, चेक करें छोटे छोटे से। और यार ढीट मुर्गी को हमने जबरदस्ती पकड़ा है क्योंकि अपने बच्चों को लेके ना बस उधर भागने में लगी हुई थी, क्योंकि इसको लग रहा होगा कि अर्थरोल वगैरह अटैक ना कर दे। और अर्थरोल भाई तो हमारे पानी पीने में लगे हुआ, माशाल्लाह दोस्तों आज चेक करें अर्थरोल कितना प्यारा लग रहा है यार। कमेंट्स में लाजमी आप लोगों ने माशाल्लाह बोलना। और अर्थरोल ने अभी हमारे रैबिट पर दोबारा अटैक करा है, बेचारा रैबिट डर के हमारा ना यहाँ बैठा हुआ है। तो दोस्तों अपने रैबिट को मैंने फाइनली डाइट डाल दी है, और मेल और फीमेल माशाल्लाह से चेक करें यार डाइट खाने में लगे हैं। पता नहीं ये खीरा और आलू मैंने डाला है तो ये कुछ भी खा लेंगे, खीरा आलू और लूसन। तो इनको लूसन तो समझ ले एनी टाइम इनके पास होता है ना यार, लूसन जब अभी यानी खा रहे। खीरा देखें यार, सॉरी तो डाइट तो बड़े शौक से खा रहे। क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, अर्थरोल ने अटैक करा है यार। ये जो ब्लैक वाला है ना दोस्तों, अर्थरोल से बहुत पंगे ले रहा है, मैं सही बता रहा हूँ। अर्थरोल ने इसको किसी दिन बहुत मारेगा। अर्थरोल को देखें और इसको देखें, ये सारे चूजों को तो मारता है लेकिन अर्थरोल पर भी अटैक करने लग गया है। मैं बता रहा हूँ किसी भी दिन अर्थरोल मजाक में भी इसको मारेगा ना, इसका काम खराब हो जाएगा। तो दोस्तों यदि मेरी आज की नई वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ब्लैक आर्मी भाई यहाँ पर घूम रही है हमारी।